नमस्कार, एबीसी यानी अजय भांबी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योतिष का एक ऐसा विषय उठाने जा रहे हैं जो अक्सर जीवन में कहीं ना कहीं नई सोच भी पैदा करता है। हम बात करने जा रहे हैं नीच भंग राजयोग। तीन तरह के योग होते हैं प्रसिद्ध रूप से। एक राजयोग होते हैं, उसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आपकी कुंडली में राजयोग है तो आप एक स्थिति से दूसरी, दूसरी से तीसरी में आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें हम भगवान राम की कुंडली का जिक्र कर सकते हैं, वहाँ सारे ही राजयोग थे, तो वो जंगल में गए तब भी स्थितियाँ बड़ी नॉर्मल थी उनके लिए। और एक होता है विपरीत राजयोग, जो विपरीत स्थितियों में कार्यकर होता है। जब सारी सप्तर रस्ते बंद हो जाएं, तब आदमी का राजयोग ऑपरेट होता है। एक होता है नीच भंग राजयोग, इसमें हम अभी बताने जा रहे हैं। इसमें तीन कुंडलियां हैं हमारे पास। एक है हमारे फॉर्मर फास्ट बॉलर जगावल श्रीनाथ की, क्रिकेटर की, जिनके नाम से काफ़ी रिकॉर्ड हैं, आप सब जानते भी हैं। और दूसरे हैं एक्टर संजय दत्त, और तीसरे हैं इंटरनेशनल फिगर, हालांकि सारे ही हैं, वो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्लिंटन। तो तीन कुंडलियां हैं, और उन तीनों कुंडलियों में नीच भंग राजयोग की स्थिति है। हर जगह कटा है, और कितना नीच भंग हुआ है यह भी एक विचारणीय मुद्दा है। इस पर हम बात करते हैं। तो तीन कुंडलियां हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जगावल श्रीनाथ की। जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं, और एक्स क्रिकेटर जब गुंडप्पा विश्वनाथ ने इन्हें यूनिवर्सिटी में खेलते देखा, और स्टेट में खेलते देखा, तो काफ़ी इम्प्रेस हुए। उसके बाद 1992 के आसपास ये भारतीय क्रिकेट में एज ए फास्ट बॉलर आ गए। उस समय कपिल देव का बहुत जलवा था, कपिल देव का बहुत नाम था, तो इनको उतना जो बोलते हैं उतना तवज्जो नहीं मिला इनको, लेकिन फिर भी नोटिस में आए। तो इस तरह से इनका चलता रहा। तो इनकी जो कुंडली है उससे जानने का प्रयास करते हैं। इनकी कुंडली कर्क लग्न की कुंडली, आप देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे भी। कर्क लग्न की कुंडली में आप जानते हैं, जैसा कि चंद्रमा लग्नेश होता है, लॉर्ड ऑफ लग्न होता है, चंद्रमा यहाँ पर पंचम भाव में है और डेबिलिएटेड है, यानी नीच का है। और मंगल जो है, जो अगेन इस कुंडली का कर्क लग्न के लिए कारक होता है, सिग्निफिकेटर होता है, वो भी डेबिलिएटेड है, नीच का है लग्न में। शास्त्र ऐसा बोलता है, नियम ऐसा बोलता है कि अगर दो ऐसे ग्रह जो एक दूसरे से कनेक्शन रखते हों उस लग्न के लिए खासतौर से, तो वहाँ पर नीच भंग राजयोग होता है। नीच भंग राजयोग तो कहीं और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसका पूरा पूरा परिणाम मिलता है। तो मंगल नीच का है और चंद्रमा नीच का है। इनको, इनकी कुंडली काफ़ी विचित्र है, यहाँ बहुत नीच के ग्रह हैं और सबका नीच भंग हो रखा है। जैसे आप देखेंगे तृतीय भाव में शुक्र नीच का है, बुध हो चुका है, साथ में केतु भी है, तो यहाँ पर शुक्र का नीच भंग हुआ। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे दशम में शनि है, जो डेबिलिएटेड है, नीच का है, लेकिन नमाज कुंडली में भी डेबिलिएटेड है, तो वहाँ भी उसका नीच भंग हुआ। तो तीन नीच भंग राजयोग हैं। अब नीच भंग राजयोग में क्या होता है, इसमें एक स्थिति में आदमी अपने प्रयासों से बहुत आगे आ जाता है। जैसा 1992 में के आसपास टीम में आए, अच्छा खासा रिकॉर्ड बना कर आए, उसके बाद वनडे क्रिकेट में
ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने फास्ट बॉलर जिन्होंने 300 विकेट हासिल किए, 300 विकेट्स लेने वाले ये पहले फास्ट बॉलर हैं इंडिया के। और इनकी जो स्पीड थी, कई बार वकार यूनुस वगैरह औरों ने भी, एलन डोनाल्ड वगैरह ने कैलकुलेट की, तो वो 157 किलोमीटर पर आवर थी। ये बहुत बड़ी स्पीड होती है फास्ट बॉलर की। लोगों का ऐसा भी मानना है कि इंडियन जो पिचेस हैं थोड़ी फ्लैट होती हैं और ड्राई भी होती हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता फास्ट बॉलर को, उसके बाद भी इनका जलवा था। ये सारी स्थिति है। उसके बाद एक स्थिति आती है 1998 के आसपास, जब ये काफ़ी यंग थे और काफ़ी परफॉर्म कर रहे थे, अच्छे खासे इस्टेब्लिश हो गए थे, वहाँ पर इनको रिस्ट में प्रॉब्लम आती है, राइट हैंड वाली रिस्ट में, और रिस्ट फिर घूमती नहीं। तो वो एक ऐसा समय था, बड़ा डल समय था, और ये ऑलमोस्ट टीम से बाहर भी थे, और जितने इलाज किए, ऑपरेशन किए, वो सफल भी नहीं हुए। तो ऐसा लग रहा था, इन्होंने खुद भी, जब ये 2003 में रिटायर होते हैं क्रिकेट से, तो इन्होंने लिखा भी, बोला भी, इंटरव्यू बोला था कि वो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं खेल नहीं पाऊँगा। और तब तक इनके इतने रिकॉर्ड बने भी नहीं थे, उससे पहले टीम में आना जाना बना रहता था। एक तो कपिल देव के, चूँकि कपिल देव अपने आप में इतने बड़े लेजेंड थे, तो उनके चलते दूसरे आदमी को, ये दूसरे बडिंग क्रिकेटर को या फास्ट बॉलर को इतना मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मिलना शुरू हुआ तो वो उनका कैरियर ब्लॉक हो गया। उस समय मैं इनसे मिला भी था, जब इनके रिस्ट में प्रॉब्लम था, तो इनसे मुलाकात भी हुई थी, मैंने इनके आर्टिकल भी लिखा था, वो गूगल में सारे उपलब्ध हैं। तो मेरा ऐसा मानना था, मैंने उनसे बोला था, वही मैं आज बोलना चाह रहा हूँ। मैं उनसे बोलता था कि यू विल बाउंस बैक इन ए बिग वे एंड यू विल लीव क्रिकेट आउट ऑफ योर चॉइस, नॉट आउट ऑफ कंपल्शन। उसके बाद में धीरे धीरे उनका हार्ट ठीक हुआ और भारतीय टीम को बहुत ज़रूरत थी। फिर जब 98 में दोबारा वापस आते हैं, आई थिंक उससे पहले इनको रिस्क का प्रॉब्लम हुआ था 96 के आसपास, तो दो ढाई साल टीम से बाहर भी थे, एक दो बार आए भी तो निकल दिए गए, कोई परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद जब 98 के बाद ये जब दोबारा भारतीय क्रिकेट टीम में आते हैं, तो फिर इनके रिकॉर्डों की फहरिस्त है, चाहे वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, इवन जो 2003 का वर्ल्ड कप था, इसमें सबसे विकेट लेने वाले ये थे, 99 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले ये थे, तो इनके बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, एंड ही वॉज़ ए ऑलराउंडर ऑल्सो, तो दोनों तरह के थे। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो तीन तरह के नीच राजभंग योग हुए हैं, एक मंगल और चंद्रमा का है। तो नीच भंग राजयोग से नेगेटिविटी आई, एकदम टीम से बाहर हो गए, हेल्थ में भी इश्यूज हुए, ऐसा लगा कि अब बाउंस बैक नहीं कर सकते। अगर सिर्फ ग्रह नीच का होता तो फिर आप वापस नहीं आ पाते, फिर ये जगावल श्रीनाथ वापस नहीं आ पाते। लेकिन चूंकि भंग था, नीच भंग हुआ, तो नीच का मतलब हुआ नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल ख़त्म हुआ और राजयोग उपलब्ध हुआ, कुंडली में इस्टेब्लिश हुआ। जब ऐसा हुआ तो ये वापस आए। उस समय एक और आखिरी बात बताना चाहता हूँ, इनकी कुंडली में जो दशा थी, जब ये 92 में क्रिकेट में आते हैं, तब इनको जो दशा है वो केतु की है। केतु थर्ड हाउस में है, केतु थर्ड हाउस में है तो केतु थोड़ा दिक्कत देता ही है, तो उसमें कैरियर में अप्स एंड डाउन बने रहे। और उसके बाद में जब ये उधर 99 में जो शुक्र की दशा आती है, और शुक्र यहाँ पर नीच भंग राजयोग में है और थर्ड हाउस में है, स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए थर्ड हाउस बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, उससे उसका पराक्रम का संबंध होता है। तो वहाँ फिर इनका जो पराक्रम देखने को मिलता है, इनकी फास्ट बॉलिंग का जो चमत्कार देखने को मिलता है, वो कमाल का है। तो यहाँ पर इस कुंडली में हम ये देख रहे हैं कि नीच भंग पूरी तरह से हो गया, इसलिए इनके साथ कोई विशेष कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई उलझन नहीं है। ठीक है, आप क्रिकेटर थे, खेलते थे, आपको तकलीफ हो गई, आप टीम से बाहर हो गए, लेकिन आप अगेन बाउंस बैक करके अपने को इस्टेब्लिश किया।
लेकिन बाकी जो दो कुंडलियां हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगली कुंडली है संजय दत्त की, नाम ही काफ़ी है। संजय दत्त को कौन नहीं जानता, अपने आप में सुपर हीरो हैं और आज भी उनका जलवा बरकरार है और इनके माता पिता भी जलवा फरोश थे। सुनील दत्त और नरगिस दत्त के पुत्र होने के साथ साथ इनका जो बचपन है वो काफ़ी अजीबोगरीब है। बाप का बहुत प्रेशर था बचपन से ही, तो उससे संजय काफ़ी विद्रोही हो गए और शुरू से ही इनकी जो सोसाइटी है वो कुछ अलग हो गई। थोड़ा कुंडली से समझने का प्रयास करते हैं, बाकी तो आप उनकी सारी कहानी जानती हैं। इनकी जो कुंडली है वृश्चिक लग्न की है, स्कॉर्पियो लग्न की है और दशम भाव में लग्नेश है, मंगल है, सिंह का मंगल शुक्र के साथ, बहुत ही बढ़िया। यहाँ तक कोई स्थिति नहीं है खराब। और सप्तम में चंद्रमा है, वहाँ भी कोई स्थिति नहीं है। नवम में सूर्य है, बुध है, कुंडली बहुत पावरफुल है और वैसे अच्छे परिवार में पैदा हुए, बॉर्न विद ए गोल्डन स्पून रादर सिल्वर स्पून, तो वो सारी स्थितियाँ हैं। लेकिन टेंथ हाउस में जो मंगल है लग्नेश एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन नमांश में जाकर वो नीच का है, नमांश में नीच का है। और सूर्य जो पिता को रिप्रेजेंट करता है वो भी नमांश में जाकर नीच का है और सूर्य का नीच भंग नहीं होता नमांश में, मेन कुंडली में नहीं है। तो अब यहाँ क्या होता है कि संजय दत्त शुरू से ही इनकी जो सोसाइटी है, बाप के प्रेशर से, माँ के लाड प्यार से, ऐसा बोलते हैं, इनकी जीवनी में भी ऐसा लिखा हुआ है, कुछ अंश वहाँ के भी हैं कि माँ का असीम प्रेम तो बाप का उतना ही सख्त रवैया, उसमें इनमें हर तरह का जो अब तक तो इनकी कहानी ओपन है, संजू फिल्म भी बनी, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रग्स से लेकर और हर तरह के झंझटों में ये फंसे रहे। 81-82 के आसपास इनकी फिल्म आती है रॉकी, और वो रॉकी फिल्म आते ही ये हिट हो गए, टीना मुनीम के साथ थी एंड इट वाज ए हिट मूवी। लेकिन संजय मूवी तो हिट हो गए, इनकी माँ नरगिस दत्त का उससे पहले देहांत हो गया, तो बड़ी अजीब सी स्थिति थी। माँ से प्रेम भी था, लाड भी था, तो प्रेम भी था, तो फिर ये इनका इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गया। और अगर जैसे ये मंगल दशम में है लग्नेश, अगर इसकी स्थिति नमांश में ख़राब नहीं होती तो इमोशनल इम्बैलेंसेस नहीं होते, इतने फ्लक्चुएशन नहीं होते, तो वहाँ पर इमोशनल बैलेंसेस हुए, तो हर तरह की ड्रग्स, हर तरह की ड्रिंक्स और हर तरह की स्थिति जो आदमी कल्पना नहीं कर सकता। अगर आप संजू फिल्म देखें तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा, तो वो वहाँ का साइकाइट्रिस्ट पूछता है अमेरिका में कि भाई तुम ये कहाँ से लाए, ये ड्रग कहाँ मिलती है, बोले आपको चाहिए तो मिला दूँ, बहुत है, बोले कहाँ से, तो यहाँ मिल जाती है, बोले हमारे यहाँ मिल जाती है, यहाँ तो काफ़ी बैन है, बोले आपके लिए बैन है, हमारे लिए बैन नहीं है। तो उस तरह का दिमाग अगर आप खोजना चाहें जो क्रिमिनल दिमाग होता है, तो यहाँ फंसने वाला। और दूसरा, फादर के साथ कभी तालमेल बनानी। अच्छा, इनकी हरकतों से फादर हालांकि आउट ऑफ वे जाके इनसे प्रेम भी करते थे, इनके लिए सब कुछ करने को तैयार भी रहते थे, ता जिंदगी बिल्कुल समर्पित भाव से ऐसा पिता मिलना बड़ा मुश्किल है जो जानता हो कि उसके बच्चे में हर तरह की समस्या है, उसके बाद आउट ऑफ वे जाके उसको मदद करे। तो यहाँ पर पिता पीड़ित हो जाता है क्योंकि नमाइश में सूर्य जो है जो पिता को रिप्रेजेंट करता है वो डेबिलिटेड है, नीच का है। मूल कुंडली में लॉर्ड ऑफ टेंथ है और टेंथ होकर नाइन्थ में है, तो यह भी एक स्थिति है। खैर, इस अवस्था में क्या होता है, जब 93 के आसपास आता है मुंबई में, उस समय काफ़ी राइट्स हुए थे और खूब रक्तपात हुआ था, बड़ा भारी। उस अवस्था में संजय दत्त को लगा कि शायद मैं बड़ा इनसिक्योर होने वाला हूँ, मेरी फैमिली बड़ी इनसिक्योर हो रही है,
तो ना केवल इन्होंने 56 गन ली, R-56 क्या है, और जो गन की ज़रूरत नहीं पड़ती, दो चार गन भी इन्होंने प्राप्त की अपने गलत लोगों के रिसोर्सेज से, और साथ ही RDX का भी केस बनाए इनके ऊपर, और ये टाडा में बंद हो गए। अगर टाडा में आप बंद हो जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाद में जो देश विद्रोह का केस था वो तो इनके खिलाफ ख़त्म हो गया। लेकिन इस पूरी कुंडली में हम ये देखते हैं कि संजय दत्त को जो किया वो भुगतना पड़ा, जबकि जगावल श्रीनाथ की स्थिति में ये है कि टीम से बाहर हुए, चाहे हाथ के तकलीफ से हुए या अपनी परफॉर्मेंस से हुए, बाउंस बैक हुए, और उनसे जितना हम उनका पब्लिक लाइफ जानते हैं हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, कोई नेगेटिव बात नहीं जानते। टीम में आए, फेल हो गए, चलता रहता है, आते रहते हैं। आप अपने किसी भी फील्ड में हो, सफलता असफलता वहाँ लगी रहती है, लेकिन उससे आपके चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन संजय दत्त का कुछ जीवन, अब जिंदगी क्लियर हुई है जाकर सजा काटने के बाद, वरना इन सारे वर्षों में ऐसा कभी रहा ही नहीं कि वो मुक्त हों। संजय दत्त एक डिबेट का इशू बने रहे हर जगह से, वो हर तरह के लांछन, हर तरह के एलिगेशन, सोशल मीडिया में हर तरह की समस्याएं। उसके बाद भी अगर आदमी अपने को दोबारा से समेट पाता है, यह भी एक बड़ा ज्योतिषीय प्रश्न है जिसका उत्तर भी इसी कुंडली में छिपा हुआ है। जनरली जब हम राजयोग की बात करते हैं, चाहे नीच भंग राजयोग की बात करें, तो मूलतः उसका भंग भी कैंसिलेशन मूल कुंडली में होना चाहिए। तो इस कुंडली में, मूल कुंडली में तो नहीं होता, मूल कुंडली बनता भी नहीं है, कायदे से बनता भी नहीं है, तो होता भी नहीं। लेकिन नमाज में जाकर मंगल जो है वो डेबिलिटेड है, यानी कर्क राशि में है, वहीं पर जो चंद्रमा मूल कुंडली में एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, सप्तम भाव में, वो भी डेबिलिटेड है। तो नमाज में जाकर नीच भंग राजयोग हुआ, एक कुंडली में, मूल कुंडली में हुआ तो कोई झंझट नहीं, हुआ आप निकल गए। यहाँ पर मूल कुंडली में नहीं हुआ तो इसका मतलब आप पकड़े जाओगे, आपको अपने किए की सजा मिलेगी। अगर आपने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया है तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं है। बचने का रास्ता तभी है जैसा संजय दत्त के जीवन में है, तो ड्रग्स में थे तो उसके लिए अल्कोहलिक एनोनिमस में जाना पड़ा, और वहाँ उन जगहों पर जाना पड़ा जहाँ पर कि ड्रग्स से आदमी को मुक्ति मिलती है। तो हर जगह यातना है, आसान नहीं है, लेकिन इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, इनके जज्बे की दाद देनी पड़ेगी, और इनके परिवार की दाद देनी पड़ेगी जिसने इनको संभाला। और ख़ास तौर से इनके जो फादर हैं, वो तो मैंने बोला ना, ऐसा पिता होना ये बड़े भाग्य की बात है। इस पूरे प्रोसेस में तो यहाँ पर नीच भंग है, लेकिन नमाज में है, मूल कुंडली में नहीं है। तो आपने जो किया है उससे आपको रूबरू होना पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे, और उसके बाद आपकी मुक्ति होगी। लेकिन इस पूरे दौरान मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ, संजय दत्त से लोगों को नफरत नहीं हुई, अगर हुई भी तो तात्कालिक हुई, क्योंकि उनका जो पूरा व्यक्तित्व है इतना बढ़िया है। ये आम घरों में ऐसे नालायक लड़के मिल जाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसे होते ही हैं, थोड़े खुरापाती, थोड़े एडवेंचरस, थोड़े रेबेलियन, तो इस तरह के बच्चे होते हैं, उसी में से, उसी परंपरा के बच्चे हैं, तो इनसे कुछ नहीं। और दूसरा, जो किया भाई ऐसा गुनाह तो किया नहीं, डर के किया, घबराहट में किया, बेवकूफ़ी में किया, अनजाने में किया, या ओवर कॉन्फिडेंट होके किया, तो उस सब का भुगतान भी दिया। तो अब संजय दत्त से किसी को शिकायत नहीं है, अब उनका जीवन बड़ा क्लियर है। मैं बात कर रहा हूँ नीच भंग राजयोग की, कहाँ कैंसिल होता है और कहाँ कैंसिल नहीं होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरी कुंडली की, वो है अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की। बिल क्लिंटन दो बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और जब पहली बार बने 1993 में, तब उनकी उम्र
मात्र 46 ईयर थी, अपने थर्ड यंगेस्ट थे, शायद पहले कैनेडी थे। तो डायनेमिक, गुड लुकिंग, हैंडसम और डेमोक्रेटिक विचारों से ओतप्रोत, जिस समय ये आए थे इन्होंने पूरी दुनिया को एक नया माहौल, दुनिया में पूरा एक नया माहौल क्रिएट कर दिया था। तो यंग मैन, अमेरिका के कल्चर से ओतप्रोत, इनकी जो कुंडली है बहुत इंटरेस्टिंग कुंडली है, हम कुंडली से बात कर रहे हैं। उससे पहले ये अरकांस के गवर्नर भी थे और शुरू से ही एक्टिव थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी पढ़े थे, लॉ ग्रेजुएट थे, शुरू से ही पब्लिक लाइफ में कुछ करना चाहते थे। तो वहाँ पर इनकी कुंडली बड़ी अच्छी है, जैसे लग्न इनका कन्या है। अमेरिका के कई प्रेसिडेंट हुए जिनके लग्न कन्या थे, एक इनका था, एक कैनेडी का था, एक दो और भी हैं। तो वहाँ पर चूँकि वो अमेरिका जो है बुद्ध की नगरी है, मर्कुरियन है, मर्कुरी का वहाँ पूरा अस्तित्व है, तो जिन लोगों का भी मर्कुरी अच्छा होता है या मर्कुरी का लग्न होता है, जैसे मिथुन हो या खासतौर से वर्गो हो, तो ऐसे तीन चार प्रेसिडेंट मेरे दिमाग में आ रहे, दो तो पक्का से आ रहे, एक तो ये और एक कैनेडी। तो कन्या या बुद्ध का वहाँ, और अमेरिका जो है एक बहुत ही फास्ट कंट्री है, ये हम सब जानते हैं, लीडिंग कंट्री है, आज भी उसका डॉलर पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है। तो ये सारी स्थितियाँ वहाँ पर अमेरिका का 46 ईयर्स में एक राष्ट्रपति बन जाना एक बहुत चमत्कारिक घटना थी, और पूरी दुनिया में बड़ी प्रसन्नता भी हुई थी कि एक नई विचारधारा लेके, डेमोक्रेटिक विचारधारा लेके, ये इनकी इकोनॉमी की अलग अंडरस्टैंडिंग थी। और पहला टर्म जो इनका था ना केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में बड़ा सफल रहा। कुंडली में निगाह डालते हैं तो बात मालूम पड़ेगी, लग्न में, कन्या लग्न में मंगल है और शुक्र है। लग्नेश जो बुध है वो 11th हाउस में है शनि के साथ, अच्छी अवस्था है। द्वादश भाव में सूर्य है अपनी राशि का, वो भी अच्छा है। द्वितीय में गुरु है, वाणी बेकमाल था, और चंद्रमा अष्टम में है। तो ये सारे ग्रह के कारण ही इतने बड़े पद पे बने, और अमेरिका का प्रेसिडेंट होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व रखता है। मंगल यहाँ पर घातक है, मंगल अष्टम का भी लॉर्ड है और तृतीय का भी लॉर्ड है। अष्टम जो है वो ऑब्स्टिकल का घर होता है, और तृतीय जो है प्रोविस है, आपका पराक्रम है। अष्टम का जब लॉर्ड लग्न में हो तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, और शुक्र यहाँ पर नेगेटिव है, शुक्र यहाँ पर नीच का है, और इसका नीच भंग नहीं होता नमाज में जाके। जब ये दूसरी बार 97 के आसपास जब ये दोबारा चुन के आते हैं, उतनी ही उतने ही सहयोग के साथ पूरे अमेरिका ने इनको चुना, और बड़े धड़ल्ले से जीत के आते हैं। उन्हीं दिनों जो इनके साथ स्थिति होती है पॉलिटिकली, ही हैड नो इशू, नो प्रॉब्लम, ही वाज डूइंग वेरी वेल थ्रू आउट द वर्ल्ड। आज भी अच्छी इमेज है, आज भी ऐसा बोलते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका के सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट्स हैं उसमें से आज भी इनका नाम है। लेकिन वहाँ पर एक इनके प्रेसिडेंट हाउस में एक लड़की काम करती थी, मोनिका लेविंस्की, और उसकी उम्र मात्र 22 साल थी। तो उसके साथ इनका एक जो सेक्सुअल एनकाउंटर होता है,
उसको लेकर जब ये मामला चला तो अमेरिका की सीनेट ने इनके ऊपर महाभियोग लगाया, इम्पीचमेंट लगा और उस पर बहुत डिस्कशन हुआ। 98-99 में काफ़ी लंबे समय तक रोज़ ही घंटों चलता था और डिबेट होता था कि ये हमारा प्रेसिडेंट कैसा घटिया है, अमेरिका के लोग बोलते थे, सेनेट के लोग बोलते थे, प्रो और अंगेस्ट सब तरह के थे। शुरू में तो मना किया क्योंकि कोई भी आदमी जिसने कुछ अपराध किया हो और तो उसके वो पहले झूठ बोलता है, बड़ा सहज सी बात है, मना करने में अच्छा लगता है, मैंने नहीं किया, सोचा होगा हम इतने बड़े प्रेसिडेंट हैं इतनी बड़ी कंट्री के, हो सकता है मामला ऐसी रफा दफा हो जाए। तो वहाँ के प्रेस ने, वहाँ के मीडिया ने, वहाँ के कानून ने इनको नहीं छोड़ा, रोज का ही लंबा छोड़ा डिबेट था। इन्होंने बहुत तरीके से अपने को बचाने की कोशिश की, झूठ बोला, हर तरह का झूठ बोला। और लड़की के पास, मोनिका लेविंस्की के पास सारे एविडेंस मिल गए जिससे ये सिद्ध हुआ कि सेक्सुअल इंटरकोर्स भले ना हुआ हो लेकिन काफ़ी कुछ हुआ है जो उचित नहीं है। और ये सारा प्रेसिडेंट हाउस में हुआ, व्हाइट हाउस में हुआ। ऐसा बोलते हैं इनकी लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में वहाँ, हालांकि वहाँ हर जगह कैमरेज लगे रहते हैं, एक लाइब्रेरी में एक ऐसा पोर्शन था जहाँ नहीं थे, तो वहाँ पर। हालांकि ये कार्य सहमति से होता है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई उसको उसका रेप करने का प्रयास किया हो, लेकिन लड़की ने बाद में, मोनिका लेविंस्की ने बाद में उसको पब्लिसाइज करना चाहा, शायद अपनी भी उसको फ़ायदा हो जाए, क्योंकि अगर आप इस देश के राष्ट्रपति के साथ आपका फिजिकल हो सकता था या वहाँ तक आप पहुँचे तो उसको भी लगा होगा फ़ायदा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने रेप किया, रेप का कोई, लड़की ने भी कभी नहीं बोला, मोनिका लेविंस्की ने कभी नहीं बोला कि साहब रेप हुआ। हम यह ज्योतिष का सूत्र बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शुक्र नीच का है, उसका नीच भंग नहीं होता, और शुक्र से संबंधित ही मामला है। मंगल वहाँ पर है तो पूरा एक्सप्लोड हुआ। तो हम बात कर रहे थे नीच भंग राजयोग की। नीच भंग राजयोग में तीन कुंडलियों की हमने बात की। एक कुंडली में, जगावल श्रीनाथ की कुंडली में नीच भंग हुआ है स्पष्ट, तो उनको दिक्कत आई, उसके बाद निकल गए तो कोई बात भी नहीं करता, जो भी आप बात करते हैं उनके बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, कोई बुरी बात नहीं करता, बीमारी हुई, दिक्कत हुई, इट्स ओके। संजय दत्त को हर तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी और वही स्थिति इनकी हुई, क्लिंटन की। अमेरिका आज भी एडवांस है, तब भी एडवांस था, तो आखिरी में इन्होंने अपनी उसमें पार्लियामेंट में, जो भी इनकी संसद है उसमें इन्होंने माफ़ी मांगी। इन्होंने बोला कि जो ये लड़की बोलती है, मोनिका लेविंस्की, सब सही है, कुछ गलत नहीं है। फिर बोला आपने झूठ क्यों बोला, तो बड़ी ईमानदारी से बोला कि जी मैं क्या करता, मैंने सोचा मामला दब जाए। और फिर बाद में उन्होंने बोला कि हम सब अमेरिकन हैं, आप सब भी तो यही करते हो, मैंने कर लिया तो मैं राष्ट्रपति हूँ तो क्या मुझे लटका दोगे, गोली में लटका दोगे। तो इस मुद्दे पर आकर सब ने कहा ठीक ही तो है, तो जो अमेरिका तब कर रहा था अब पूरी दुनिया में ही हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा सिर्फ मतलब कुंडली से है, अगर कुंडली में नीच भंग राजयोग है तो आप डाउन होकर भी बाहर निकल सकते हैं। अगर आंशिक नीच भंग राजयोग है जैसा कि संजय दत्त की कुंडली में था तो आप निकल आओगे, तो आपको संकट नहीं होगा। इनका भी नमाइश में कुंडली अच्छी है तो फिर इन्होंने माफ़ी मांग ली तो दंड मिला, तो फिर इनसे किसी को नफरत नहीं है। आज भी क्लिंटन फाउंडेशन है, ये बहुत सारे काम करते हैं, ये दुनिया भर में लेक्चर्स देने जाते हैं, इनका बड़ा नाम है और वो अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी में काफ़ी एक्टिव हैं। ओबामा को जिताने में इनका बड़ा भाई रोल था, हिलरी क्लिंटन के लिए भी इन्होंने बड़ा प्रयास किया,
हालांकि वहाँ इन्हें सफलता नहीं मिली। आज भी ये पॉलिटिकली एक्टिव हैं, सोशली एक्टिव हैं और एड्स वगैरह आदि बीमारियों के लिए पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर व्यक्ति अच्छे हैं, बाकी थोड़ा बहुत तो गड़बड़ होता है। बात ज्योतिष की थी। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं और पसंद करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के यूट्यूब चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।